हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। आप सभी देख सकते हैं, जिन बच्चों की 10वीं और 12वीं के मार्कशीट पर अंक नहीं, उन्हें दे अगली कक्षा में प्रवेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है यूपी बोर्ड की ओर से। तो देखिए, यहां पर आप सभी के कक्षा 12वीं के छात्र के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, यानी कि इस साल जो रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत से छात्र ऐसे देखने को मिले हैं जिनके मार्कशीट पर अंक ही नहीं चढ़े हुए हैं, केवल प्रमोट लिखा हुआ है। ऐसा मैंने बहुत से मार्कशीट देखे हैं। तो उनका करना क्या है, वो चाह री एग्जाम दें या उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा, इसी पर न्यूज़ लेटर आया हूँ मैं। तो आप सभी देख सकते हैं, जिन बच्चों की कक्षा 10वीं 12वीं के मार्कशीट पर अंक नहीं है, उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। ये यूपी बोर्ड की न्यूज़ निकल के आई है। और अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो इससे पहले मैंने एक Q&A वीडियो बनाया था, तो इसके नीचे आप जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर 2021 के अंक पत्र पर जिन छात्र छात्राओं के नंबर नहीं हैं और प्रमोट है, उन्हें भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत से प्रधानाचार्य स्कूल के जो टीचर हैं वो ऐसा कह रहे थे कि जिनके रिजल्ट पर नंबर नहीं है उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। कह रहे थे कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, फिर ही आपको प्रवेश मिलेगा। लेकिन अब यही यूपी बोर्ड की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि आपके अगर अंक पत्र पर नंबर नहीं है तो आपको अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा, कोई भी स्कूल आपको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ल ने 17 अगस्त को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो सकी थी और सभी बच्चे प्रमोट कर दिए गए। 31 जुलाई को घोषित हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा फल में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र प्रमोट हुए जिनके अंक पत्र पर अंक नहीं थे। शासन का कहना है कि कोविड के कारण छात्र सहित जन सहित व सत्र नियमित करने के उद्देश्य से 2021 के परीक्षा फल में हाई स्कूल व अंक रहित प्रोन्नत उत्तीर्ण छात्रों को 11वीं और स्नातक कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपके भी रिजल्ट में नंबर नहीं है तो आपको प्रवेश मिल जाएगा बहुत ही आसानी से अपने स्कूल में। कक्षा 11वीं या 12वीं के बाद आप किसी हाई लेवल परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो वो आपके लिए अब संभव हो चुका है। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।